ग्वालियर में घर बैठे मूवी रेटिंग के जरिए पैसे कमाने का लालच देकर एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बेटी से जालसाजों ने 41 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर ली। ठगों ने अनजान नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप पर ठगी के शिकार फरियादी को जोड़ा था, जिस पर मैसेजेस आए और बताया गया कि घर बैठे 5,000 रुपए रोज कमा सकते हैं। ठगी के शिकार हुई फरियादी ने इसकी शिकायत साइबर क्राइम पुलिस से की है। वहीं साइबर क्राइम पुलिस ने अज्ञात ठग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल शहर के महलगांव में निजी नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता की बेटी दिशा गुप्ता को ऑनलाइन धोखेबाजों ने ठग लिया। ठगी के शिकार हुई फरियादी दिशा गृहिणी है और उनके व्हाट्सएप नंबर को किसी अज्ञात ने अनजान नंबर से एक ग्रुप पर जोड़ लिया था, जिसका उनको पता नहीं था। लेकिन थोड़े ही दिन में उनके पास मैसेजेस आने शुरू हो गए कि पार्ट टाइम जॉब करके घर बैठे 5,000 रुपए रोज कमा सकते हैं। उसके बदले में उन्हें सिर्फ कुछ मूवीज की रेटिंग देने का काम करना होगा। पार्ट टाइम जॉब करने के लिए दिशा ने उनसे बातचीत की। जालसाजों ने उन्हें कॉइन दशक कंपनी का कर्मचारी बताकर जालसाजों ने उनसे ये कहा कि जितना पैसा लगाओगे उतना कमाओगे। ये ऑफर देकर उनसे अलग अलग टास्क के नाम पर पैसा लिया गया। ये ग्वालियर पुलिस का क्राइम ब्रांच का साइबर विंग में एक FIR हुआ है। कल पिछले महीने जून 13 को एक लड़की पहुंच के आदत आवेदन लेके उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ बोल के। ये फ्रॉड इस तरह का है, इन्होंने लड़की को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया पहले, फिर वो ग्रुप में ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब के मैसेजेस वगैरह आना शुरू किया। तो ये लड़की बीइंग ए हाउसवाइफ घर बैठ के पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा था, तो ये मौका सोच के उस ग्रुप में जोड़ दिया। और जो लोग उन्होंने एक लिंक भेज दिया, वो लिंक पे क्लिक किया तो एक ऐप आ गया। तो उस ऐप में ऐप के जरिए एक अकाउंट दिख जाता है, जो टास्क जो पहले देते हैं, जैसे होटल्स का रेटिंग, मूवी का रेटिंग वगैरह करना है, छोटे छोटे टास्क पहले देते हैं। तो जो टास्क कंप्लीट होने में उसमें जो ऐप के जो प्लेटफॉर्म है उसमें इनका प्रॉफिट या अकाउंट बैलेंस दिख जाते हैं। तो ये लोग जो फरियादी लोग सोचा था कि ये जेन्युइन ऐप है और उसका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, तो पहले इनको प्रॉफिट दिख रहा था और बाद में बड़े टास्क के लिए इनको पैसा जमा करने के लिए बोला और अलग अलग खातों में इनका पैसा अब चला गया। तो पहले 16 लाख के अराउंड लूज़ किया था, फिर वो पैसा वापस दिलाने के चक्कर में और पैसा मांगा और कुल 41,50,000 रुपीज़ का नुकसान किया है फरियादी को। तो जो प्रिलिमिनरी जांच कंप्लीट करके साइबर सेल में इसका FIR दर्ज हुआ है, IT एक्ट का 420 का सेक्शंस लगा के FIR दर्ज हुआ है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। धीरे धीरे करके पूरे 41,49,169 रुपए हड़प लिए गए, लेकिन उनके खाते में एक पैसा भी वापस नहीं आया। 9 जून से 10 जुलाई के बीच 31 दिन में दिशा के साथ ठगी हुई। हर दिन अलग अलग टास्क के नाम पर उनसे रकम ऐठी जाती रही। जब पैसा वापस नहीं आया तब वो समझ गई कि वो फंस गई हैं। उन्होंने टास्क पूरा करने के बदले में पैसा मांगा तो ठगों ने पैसा लौटाने से मना कर दिया। ठगे जाने का एहसास होने पर उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत की। वहीं पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, ग्वालियर।